आज वाराणसी जाएंगे अमित शाह, तो 3 दिन के लखनऊ दौरे पर राजनाथ सिंह। लखीमपुर हिंसा के 1.5 महीने बाद हटाए गए एसपी विजय ढोल, संजीव सुमन को मिली नई जिम्मेदारी। बिहार सरकार ने शुरू की 2022-23 के बजट की तैयारी, विभागों का आज से मंथन। बिहार में जहरीली शराब पीने से मौतों का सिलसिला जारी, प्रशासन ने छापेमारी अभियान किया तेज। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है, मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर आजमाइश भी कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी दोबारा सत्ता हासिल करने को रणनीति बना रही है। इसी सिलसिले में बीजेपी के तमाम नेता प्रदेश का दौरा भी कर रहे हैं। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह आज वाराणसी के दौरे पर हैं, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी 3 दिवसीय लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। इससे पहले 29 अक्टूबर को भी अमित शाह ने राजधानी लखनऊ का दौरा किया था। वहां उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अब तक की सारी अटकलों को खारिज करते हुए कहा था कि 2024 में मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है तो 2022 में एक बार फिर योगी को मुख्यमंत्री बनाना है। तो आज वाराणसी जाएंगे अमित शाह और वाराणसी जाने वाले हैं, वहीं 3 दिन के लिए लखनऊ दौरे पर राजनाथ सिंह रहेंगे। दरअसल 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर अभी से तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ को दोबारा से सीएम बनाने को लेकर के दोनों नेता जो हैं वो जनता से भी रूबरू हो सकते हैं, जनता को भी संबोधित कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई हिंसा के करीब 1.5 महीने बाद एसपी विजय ढुल को हटा दिया गया है। जानकारी मिल रही है कि अब संजीव सुमन नए एसपी होंगे। इससे पहले 28 अक्टूबर को लखीमपुर के डीएम अरविंद चौरसिया को हटा दिया गया था, उनकी जगह महेंद्र बहादुर सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी। विजय ढुल का तबादला लखनऊ हेडक्वार्टर कर दिया गया है और लखीमपुर खीरी के नए पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन पहले लखनऊ कमिश्नरेट में तैनात थे। वहीं आईपीएस अमित कुमार आनंद को मुरादाबाद लखनऊ भेजा गया है, इनका ट्रांसफर लखनऊ कमिश्नरेट में हुआ है। और गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी में किसानों का एक समूह यूपी प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की यात्रा के खिलाफ 3 अक्टूबर को प्रदर्शन कर रहा था, तभी एक कार ने 4 किसानों को कुचल दिया था, जिसके बाद से लखीमपुर मामले ने तुल पकड़ा और इस पर सियासत भी काफी हुई। तो संजीव सुमन को नई जिम्मेदारी दी गई है और बता दें आपको कि 1.5 महीने बाद एसपी विजय ढुल को हटा दिया गया है। लखीमपुर मामले में ये संज्ञान लिया गया है और एसपी को हटा दिया गया है, वहीं नए एसपी की भी नियुक्ति की गई है। दरअसल लखीमपुर मामले को लेकर के अगर हम बात करें तो कई राजनीतिक पार्टी वहां पर गए थे। किसान की मौत के बाद जो तस्वीरें सामने आई थी उसके बाद बवाल मचा था, सभी राजनीतिक पार्टी ने इस पर सियासत भी तेज किया था, जहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम जो बड़े दिग्गज थे कांग्रेस के वो भी वहां पर पहुंचे थे। और बिहार, माफ कीजिएगा, राज्य केंद्र सरकार को लेकर भी टिप्पणी उनके तरफ से किया गया था, वार पलटवार का सिलसिला भी जारी था। और लखीमपुर मामले को लेकर के अगर हम बात करें तो 1.5 महीने के बाद एसपी को हटाया गया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 11 नवंबर को टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से जीत दर्ज की। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने T20 विश्व कप के इतिहास में दूसरी बार खिताब मैच में अपनी जगह बनाई है, जबकि पाकिस्तान दूसरा खिताब जीतने से चूक गया। अब ऑस्ट्रेलिया खिताब जीतने के इरादे से 14 नवंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरेगा। और चलिए बिहार का रुख कर लेते हैं। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष यानी कि 2022-23 के बजट की तैयारी शुरू कर दी है। बजट का खाका तैयार करने के लिए वित्त विभाग के अधिकारी जो हैं वो एक एक कर सभी विभागों के साथ आज से मंथन करेंगे। यह प्रक्रिया 1 सप्ताह तक चलने वाली है और इसके साथ ही राजस्व प्राप्त करने वाली सभी विभागों को अगले वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य बताने का निर्देश भी दिया गया है। वित्त विभाग की ओर से 47 विभागों और निकायों को इसके लिए पत्र भेजा गया है। 19 नवंबर तक बजट संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा के आधार पर
2022-2023 के बजट का खाका तैयार करने की कोशिश होगी। बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बेरोजगारी को लेकर एक फोटो डाला था, जिसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि प्रवासी नेता तेजस्वी यादव केवल झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा था कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो, लेकिन लोग समझ गए थे कि वह झूठ बोल रहे हैं, जिस वजह से उन्हें लोगों का जनाधार नहीं मिला और वह मुख्यमंत्री नहीं बन सके। प्रवासी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, जो ट्विटर बॉय के भी नाम से जाने जाते हैं, ट्वीट करने के लिए जाने जाते हैं, रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, कभी बिहार की जनता के साथ आपदा विपदा में खड़े दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन भ्रम का जाल फैलाने के लिए, अपने फायदे के लिए ट्वीट जरूर करेंगे। आपने चुनाव के समय तो बिहार के युवाओं से वादा किया था कि भाई पहली कैबिनेट की बैठक में पहले दस्तखत से 10 लाख सरकारी नौकरियां दे देंगे। बिहार के लोग समझ गए थे कि आप ठगने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपको मौका नहीं दिया। और दूसरी तरफ एनडीए की सरकार ने 19 लाख रोजगार सृजित करने का वादा किया। कैबिनेट की बैठक में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 20 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का वादा किया, उस प्रस्ताव पर मुहर भी लगी। वहीं अब देखिए, लगातार जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था और रोजगार के मुद्दे को लेकर के बिहार सरकार पर हमला बोला था, जिसके बाद से जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जनता समझ गई थी कि रोजगार के मसले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था वो गलत था, जिसके वजह से वो झूठे वादे थे, जिसकी वजह से जनता ने उन्हें नकार दिया और मुख्यमंत्री चुनने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने यह वादा किया था, जनता ने सिरे से खारिज किया, जनता ने उनकी बात नहीं मानी और फिर से नीतीश कुमार पर भरोसा जताते हुए उन्हें जीत दिलाई। तो लगातार रोजगार के मुद्दे को बात करें तो पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस वक्त भी रोजगार का मुद्दा एक अहम मुद्दा माना गया था और सियासत काफी तेज हुई थी इस पर। वहीं बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने भी इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव अपने पिता का शासनकाल देखे, जो लोग पलायन कर रहे थे वो बिहार में रुके हैं, बिहार में पलायन रुका है और रोजगार का जाल बिछाया गया है। तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि बिहार में रोजगार नहीं हुआ है 16 सालों में, अपने पिता का शासनकाल का इतिहास वो देखे, जो लोग पलायन कर रहे थे वो बिहार में रुके हैं, पलायन बिहार में रुका है, बिहार में रोजगार का हम जाल बिछाए हैं, लोगों का डेवलपमेंट हुआ है, विकास की गंगा बहा है बिहार में, बिहार में हम जो है अस्पतालों में नर्स से लेकर डॉक्टर तक बहाल किए हैं, हमने स्कूलों में शिक्षक तक बहाल किए हैं, चरवाहा विद्यालय नहीं खोले हैं, हम नाटक नौटंकी नहीं किए हैं, हम जो है सिर्फ जो है लोगों को बरगलाए नहीं है, हमने बिहार में इतिहास रचा है, शिक्षा का अलग जगाया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निषेध, बिहार में रोजगार का मुद्दा जो रहता है वो लगातार सियासत गर्म करता है और एक बार फिर जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट किया, अब इसके बाद से सत्ता पक्ष घेरने पर तुली है। बिल्कुल, देखिए बेरोजगारी का मुद्दा एक बार फिर से बिहार में गर्मा गया और उस पर सियासत भी हो रही है। विपक्ष शुरू से ही बेरोजगारी को लेकर के जो सत्ता पक्ष है उसको घेरने का काम करती है। हाल में ही तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था, उसके बाद ये पूरा मामला गरमाया है। तेजस्वी ने ट्वीट करके एक बार फिर से बेरोजगारी को लेकर के नीतीश कुमार को घेरा, जिसके बाद अब जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, उसकी ओर से भी रिएक्शन आया है, जनता दल यूनाइटेड की ओर से भी रिएक्शन आया। और बीजेपी के जो प्रवक्ता है अरविंद सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लालू प्रसाद यादव का जमाना देखे, तेजस्वी अपने पिताजी का जमाना देखे कि उस समय में क्या होता था, बिहार में पलायन हो रहा था, लेकिन इस वक्त इस दौर में पलायन रुक गया है और जो रोजगार है उसके अवसर हम लगातार लोगों को दे रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि बीजेपी इस बात को कैसे कह सकती है कि वो रोजगार दे रही है लोगों को,
क्योंकि बिहार की कई ज्यादा आबादी जो है वो दूसरे राज्य में पलायन कर रही है आज के वक्त में भी, लेकिन फिर भी बीजेपी लगातार कह रही है कि वो रोजगार दे रही है और इसी को लेकर के अभी बिहार में सियासत भी काफी तेज हुई है। बिल्कुल निश्चित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लगातार बिहार में रोजगार को लेकर के अब सियासत एक बार फिर गर्म है और अब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रही है। बिहार में जहरीली शराब को लेकर के लगातार अब सियासत भी गर्म है, वहीं पुलिस प्रशासन भी सख्त है। बिहार में पुलिस मुख्यालय ने एक प्रेस विज्ञापन जारी किया और शराब मामले को लेकर जारी इस प्रेस विज्ञापन में पुलिस ने चार जिलों में जो छापेमारी अभियान चलाया उसके बारे में जानकारी दी है। दरअसल ये छापेमारी अभियान गोपालगंज, बेतिया, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में की गई थी और छापेमारी अभियान को लेकर के अगर हम बात करें तो कई हजार लीटर शराब भी बरामद किए गए थे। वहीं 32 शराब की भट्टियों को भी ध्वस्त किया गया था। मौके से 85 वाहन को भी जब्त किया गया और अवैध शराब के मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई ये तमाम बातों की जानकारी इस विज्ञापन में साझा किया गया था। दरभंगा में एक युवक ने जिला प्रशासन को खुली चुनौती दे दी। दरअसल जिला के सदर थाना अंतर्गत कबीरचक पंचायत में एक युवक अचानक कैमरे के सामने शराब की बोतल को लहराता हुआ सामने आ गया। तस्वीरों में आप खुद देखिए कि युवक कैसे शराब की बोतल बेखौफ होकर लहरा रहा है। इससे साफ दिखता है कि प्रशासन का खौफ यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग दारू दिखा रहे हैं, आप लोग दारू दिखा रहे हैं। संतोष यादव मेरा नाम हुआ, घर कहाँ? घर यहीं पर है। हर कुछ बोले ना यहाँ पे बहुत औरंगाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी जहां पुलिस ने 50 लाख की विदेशी शराब को बरामद किया। वहीं मौके से एक तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। ट्रक से पटना जो शराब थी वो लाई जा रही थी और इसी बीच ये कार्रवाई की गई। उत्पाद विभाग ने रामाबांध के पास ये कार्रवाई की। जो नगर थाना के सहयोग से रामाबांध के पास एक ट्रक पकड़ा गया जिसमें अवैध विदेशी शराब लदा हुआ था। अभी प्रारंभिक जांच में इसमें लगभग 400 पेटी की है, इसमें लगभग 3600 लीटर अवैध विदेशी शराब है। गिनती अभी जारी है इसलिए अभी स्पष्ट बताना मुश्किल है कितना शराब है, लेकिन जो प्रारंभिक जांच में बातें सामने आ रही हैं उसके अनुसार इसमें 50 लाख से ज़्यादा की शराब है। बिहार में लगातार जहरीली शराब से हो रहे मौत के बाद भी लोग शराब के सेवन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करे तेवर के बाद बक्सर पुलिस के द्वारा शराब माफियाओं के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश से शराब का सेवन कर बक्सर की सीमा पर प्रवेश करने के दौरान नगर थाना क्षेत्र के वीर कुंवर सिंह सेतु से 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही कई लग्जरी गाड़ियों को भी पुलिस ने जब्त किया। नगर थाना प्रभारी दिनेश मालाकार के द्वारा अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शराब माफियाओं के खिलाफ की गई जिससे पूरे जिले में हड़कंप मच गया। ये उत्तर प्रदेश से शराब पीकर आने वाले लोगों के लिए ये अभियान चल रहा है। इसमें सख्त चेतावनी है कि जो शराब पीकर आएंगे उनकी कोई खैर नहीं रहेगी। और ये जो अभियान चल रहा है ये उत्पाद विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही है।
वहीं समस्तीपुर में जहरीली शराब से मौत के आंकड़े में एक और नंबर जुड़ गया है, यानी कि पहले ये आंकड़ा 7 था और अब ये आंकड़ा 8 हो गया है। वहीं अगर बात करें तो एक शख्स का इलाज जो है वो भी अस्पताल में जारी है। लगातार बिहार में जहरीली शराब से मौत मामले में अब जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और ताजा मामला समस्तीपुर से सामने आया। दरअसल समस्तीपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र के सरिया रंजन का ये मामला है, जहाँ एक युवक की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। इसके साथ ही जिले के जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 8 हो गया है। सराय रंजन के नरघोगी गांव में इस घटना में एक अन्य युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज जारी है। पीने खाने के मत में क्या पिया था? दारू पिया था। कब? 10 तारीख को शाम। कहाँ पिया था? हम नहीं बता सकते कहाँ पिया नहीं पिया। कौन कौन पिया था? पिया एक पंकज, एक चंदन, एक गंगाराम। जो मरा है सो आपका कौन है? चंदन लड़का। चलिए और एक बड़ी खबर इस वक्त की गोपालगंज से सामने आ रही है। गोपालगंज से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहाँ मोहम्मदपुर में जहरीली शराब कांड मामले में सियासत गरमा गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ आज आरजेडी की 5 सदस्यीय टीम पहुंचेगी मोहम्मदपुर। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहाँ जहरीली शराब मामले में टीम घटना की जाँच कर विधानसभा को ज्ञापन सौंपेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर पीड़ित परिजनों से भी मुलाकात करेगी आरजेडी। और बता दें आपको कि अब इसको लेकर के लगातार सियासत गरमाती जा रही है। आरजेडी की जिला प्रधान महासचिव ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि आरजेडी की एक टीम जो है वो वहां पहुंचने वाली है मोहम्मदपुर में। जहरीली शराब कांड मामले में अब सियासत गरमा गई है और खुद आरजेडी ने 5 सदस्यीय टीम जो है वो गठित किया है, जो मोहम्मदपुर पहुंचेगी और पूरे मामले में छानबीन करेगी, ज्ञापन सौंपेगी, घटना की जांच कर विधानसभा को ज्ञापन सौंपेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पीड़ित परिवारों से भी आरजेडी की टीम मुलाकात करेगी और तमाम बातों की जानकारी लेगी। जानकारी लेने के बाद एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा और इस बात की जानकारी खुद आरजेडी के जिला सचिव ने दी है। सहरसा जिले के बस्ती वार्ड में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के मोहम्मद मुमताज के तरफ से 2 महिला और 2 पुरुष गंभीर रूप से जख्मी हो गए। अपूर्व में वार्ड पार्षद ने दोनों पक्षों को बैठकर विवाद को सुलझाया था, लेकिन फिर भी दोनों पक्ष आपस में फिर से उलझ गए। मारपीट में घायल लोगों का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। बना रहे थे हम लोग का जो है मुखिया जी रास्ता, उनको मीटर था जो क्लियर हो गया, सब कुछ लिखा पढ़ी के साथ हम लोग अपना घर बना रहे थे। इन सब आया दो जबरदस्ती करके मेरा दीवार गिरा दिया और मारना चालू कर दिया। हुआ 4 फीट हमारा जमीन छूटा हुआ है, उसका ही पंचायत के द्वारे सब कुछ हो गया, फैसला हो गया है, रास्ता उन लोगों को हम दे दिए। हम अपना दीवार घर तैयार कर रहे, दीवार जोराए आया तैयार, लाठी रॉड ले ले हुए थे, दीवार से मेरा तोड़ दिया, कासिम सिंह सा फैयाज था। किशनगंज में टेढ़ा काज प्रखंड अंतर्गत मटियारी पंचायत के बैसा टोली में कनकई नदी से सड़क और गांव के हो रहे कटाव का जायजा लेने जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक कोचा धामन मास्टर मुजाहिद आलम और मुखिया सफदर हुसैन अंसारी पहुंचे, जहां उन्होंने संभव मदद का भी आश्वासन दिया। उधर बांसुर करा था, इधर जाने वाला था, वो रोड होगा ना, नहीं किया गया। शिवहर के पिपराही गांव में अज्ञात मोटरसाइकिल सवार अपराधी ने दरवाजे पर बैठे एक शख्स को सीने में गोली मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने घायल अवस्था में घायल नवीन झा को लेकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायल का इलाज जारी है। वहीं घटना स्थल पर शिवहर SP डॉक्टर संजय भारती पहुंचे, मामले की जाँच में वो जुट गए हैं। इधर लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी कर विरोध प्रदर्शन किया। घटना हुआ जो कि सफेद रंग के अपाची पर 3 आदमी सवार थे, वहाँ आने के बाद रुके हैं, वहाँ पर रुकने के बाद प्रणाम किए। हम लोग को लगा जो कि भाई कोई इनके जानने वाला है, इसीलिए हम लोग वहाँ से हल्का थोड़ा पीछे हुए,
वो आने के बाद नवीन झा जी उसे सिर्फ इतना सवाल किए जो भाई आपका घर कहाँ है। अच्छा। बाइक पर जो बैठा था उसने कहा जो कि मेरा घर नया गांव है। अच्छा। और इतना में करते हुए नवीन झा जी जो है ना उनसे उनको संदेह हुआ, उसने में वो फायर कर दिया। कितने गोली फायरिंग हुआ है? 2 गोली फायर हुआ है। वहाँ आने के बाद रुके हैं, वहाँ पर रुकने के बाद प्रणाम किए। और अब खबरें झारखंड से। जमशेदपुर में टाटा मोटर्स और कम्स के फैसले के खिलाफ कोल्हान के 9 विधायकों ने समुदाय भवन में एकजुट होकर टाटा मोटर्स के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई है। दरअसल उन्होंने जो फैसला लिया था उस पर पुनर्विचार करने को लेकर के उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर कंपनी अपने फैसले को वापस नहीं लेती है तो 17 नवम्बर को टाटा समूह के खिलाफ 12 घंटे कंपनी का गेट जाम कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि टाटा मोटर्स और कॉमिस प्रबंधन ने अपने कॉरपोरेट कार्यालय को महाराष्ट्र के पुणे में शिफ्ट करने का निर्णय लिया है, जिसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक गोलबंद हुए और कंपनी प्रबंधन के इस फैसले के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए इसे राज्य और कोल्हान के मजदूरों के विरोध में बताते हुए समूह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टाटा समूह द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि टाटा कमिंस और टाटा मोटर्स का जो भी यहाँ पर जो हेड ऑफिस है सारा सिस्टम जो है ना पुणे में स्थानांतरित करने से हम लोग का सूचना प्राप्त हुआ है। इससे हम कुलानवासी बहुत आहत हैं। इसी को लेकर के कुलान प्रमंडल के सभी विधायक और सभी संगठनों की तीनों जिला की संगठनों की बैठक हुई, जिसके इसे टाटा समूह का इस निर्णय के खिलाफ हम लोग निर्णय लिए हैं कि हमारे राज्य के लिए और कुलान के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि टाटा समूह के द्वारा इस तरह का निर्णय लिया गया। टाटा घराना जो निर्णय लिया पुनः में शिफ्ट करने के लिए महाराष्ट्र के पुनः में शिफ्ट करने का जिला में ये प्रधान प्रबंधन ने तीनों जिला मिला करके तीनों जिला के प्रधान के सभी विधायक में बैठ करके ये निर्णय पर हम लोग आए हैं कि कल टाटा घराना जो निर्णय लिया है कि यहाँ के उनकी कंपनियों को छोटे कंपनियों को उनके कार्यालय को शिफ्ट करने का उस निर्णय का विरोध करने का हम लोग आज निर्णय लिए हैं। बोकारो के 4 मुफस्सिल थाने में दहेज के लिए हत्या का मामला दर्ज कराया गया। इस संबंध में मुफस्सिल थाना पुलिस ने बताया है कि बीती रात ग्राम पुपनकी में नगमा खातून की संदिग्ध हालत में शव मिली है, जिसके खिलाफ मृतक के भाई ने मृतिका के पति और उसके 5 भाइयों सहित उसकी मां को अभियुक्त बनाकर उसके ऊपर दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच में जुट गई। 4 दिन आगे विदाई हुआ और विदाई होने का बाद इन लोग माने साजिश करके भाई लोग मिल के और इन लोग फांसी में चढ़ा दिया लड़की को। जब लड़की को फांसी दे दिया, नहीं हमारी बीवी फांसी लगा ली है। जब मुझे रात में खबर मिली तो 9:30 रात को मैं आया तो बीवी को मेरे भैया लोग हॉस्पिटल लेके गए हुए थे। मेरे आने के बाद 10 बजे रात को उधर से वापस लौटा है। थाना अंतर्गत ग्राम पुपनकी में नगमा खातून का शव अति संदिग्ध हालत में मरा पड़ा पाया गया। इस संबंध में उसके भाई तनवीर अंसारी ने एक मामला दर्ज करवाया है, जिसमें उन्होंने दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया है, जिसमें उन्होंने मृतिका के पति हाशमी रजा एवं उनके 5 भाइयों एवं उनकी माँ को अभियुक्त बनाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीटीवी भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।